What's up guys, भाई finally CSK qualify कर चुकी है और इतनी खुशी मुझे लगता है कि पूरे देश को किसी भी टीम में qualify होने पर नहीं होगी जितनी CSK क्योंकि उसमें हमारे प्यारे दिलारे लेजेंड जो है MS धोनी है। तो देखते हैं चेन्नई ने किया क्वालिफाई, दिल्ली का उड़ा मजा, क्या है पूरा मामला अर्जुनक बहुआ के स्टाइल में। 1 2 3 लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक, रणतंत्र में आपका स्वागत है। वैसे कोई पूछता है कि आप कहां रहते हो ना, तो साल के 10 महीने में दिल्ली बताता हूं, लेकिन अप्रैल और मई महीने के टाइम मेरा जवाब हो जाता है कि नोएडा रहता हूं, क्योंकि उस वक्त अपने ऊपर उठने वाली वो सिंपैथी की नजरें मैं देख नहीं सकता। पहली और आखिरी बार मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि दिल्ली की टीम का ना मैं कभी फैन था और ना कभी होऊंगा। मतलब गजब बेइज्जती है यार, गजब बेइज्जती है। अपने आखिरी मैच में दिल्ली वाले एक स्पेशल जर्सी पहनकर मैदान में उतरे थे। वैसे इस साल जब जब टीमों ने अपनी जर्सी एक मैच के लिए बदली है वो मैच जीत गए हैं, चाहे मुंबई हो, बेंगलुरु हो या फिर गुजरात, सबने अपने अपने मैच जीते सिवाय एक टीम के, जी हाँ दिल्ली। वैसे तो खिलाड़ी रिटायर होते हैं, इस पूरी टीम को रिटायर हो जाना चाहिए। अगर आप एक लड़की हैं और आप अपने लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं तो किसी ऐसे लड़के से शादी कर लो जो 16 साल से दिल्ली का फैन रहा हो, क्योंकि जो लड़का बिना वजह बिना जीते 16 साल से एक ही टीम को सपोर्ट कर रहा हो उससे ज्यादा लॉयल भला कौन हो। या फिर दिल्ली के हारने की वजह यह भी हो सकती है कि वो सब भी हमारी तरह धोनी के फैन हो और इसलिए हारे ताकि धोनी की टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाए। जो भी हो, चेन्नई वाले जश्न मनाओ भैया, क्योंकि आपकी टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई होने वाली दूसरी टीम बन गई है। शुरू करते हैं। तो हुआ ये कि मेरा वो दोस्त मई की दोपहरी में 41 डिग्री टेम्परेचर में जब मैच देखने जा रहा था तो उसे लगा कि वो बेवकूफ है, लेकिन जब वो स्टेडियम के अंदर गया तो उसे अपने जैसे 30,000 बेवकूफ और दिखे। दिल्ली के स्टेडियम में इतने फैंस दिल्ली के भी कभी नहीं दिखे जितने आज चेन्नई को देखने को मिल गए। स्टेडियम पीला समंदर नजर आ रहा था और इस समंदर की सबसे बड़ी मछली थे महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने दिन का मैच होने की वजह से टॉस जीतकर पहले बैटिंग ले ली और उनके ओपनर्स ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवे ने अपने कप्तान का फैसला गलत भी नहीं होने दिया। पहले ओवर से ही दिल्ली की कुटाई का जो सिलसिला शुरू हुआ वो बिना किसी रुकावट के जारी रहा। पहले पावर प्ले में 52 रन, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ की हाफ सेंचुरी, उनके पीछे पीछे कॉनवे की हाफ सेंचुरी। ऐसा लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज पवेलियन से कोई चीट कोड लगा कर आए। आउट करना तो छोड़ो, दिल्ली वाले इन दोनों को बीट भी नहीं करा पा रहे थे और स्टेडियम में बैठे लोगों को इसी बात का दुख था। उनको लग रहा था कि विकेट नहीं गिरेंगे तो धोनी भैया कैसे दिखेंगे। लेकिन चेन्नई के बादशाह को देखने की आस में क्राउड चेन्नई के प्रिंस ऋतुराज की बैटिंग को अप्रिशिएट करना नहीं भूली। खासकर कुलदीप यादव को लगाए गए लगातार 3 छक्कों ने तो माहौल बांध दिया। 141 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लगाने के बाद ऋतुराज गायकवाड 79 बनाकर आउट हो गए। उनकी जगह खेलने आए शिवम दुबे पवेलियन से सेट होकर आए थे, इसीलिए उन्होंने भी वहीं से अपनी पारी की शुरुआत करी जहां से गायकवाड़ ने खत्म करी थी। लेकिन उनके आउट होने पर जो पब्लिक खुश हुई है उसको लफ्जों में बयां कर पाना मुश्किल है। धोनी शायद आखिरी बार दिल्ली के मैदान में बल्लेबाजी करने उतरे और फिर कोई भी दिल्ली वाला सीट पर नहीं बैठा, सबने खड़े होकर मैच देखा है मानो स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हो। इसी बीच कॉनवे भी अपनी सेंचुरी से 13 रन पहले आउट हो गए, लेकिन किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सब के सब तो धोनी को देख रहे थे। हालांकि धोनी की मौजूदगी में धोनी वाला काम रविंद्र जडेजा ने किया, 7 में 20 नॉट आउट बनाए जिसकी वजह से चेन्नई 224 रन का भारी भरकम टारगेट दे चुकी थी दिल्ली को। मैच पे वापस आते हैं, खैर दिल्ली के सामने टारगेट बड़ा था, इसे अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका पावर प्ले एक नंबर का निकले। हाँ। लेकिन प्रेशर सिचुएशन आती है, इस पूरे टूर्नामेंट में दिल्ली ने 2 नंबर का ही काम किया है। पावर प्ले में उनकी एक तिहाई टीम वापस पवेलियन थी जबकि रन सिर्फ 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से भी नहीं बन पा रहे थे। पावर प्ले के आखिर में उनका स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 34 रन। इस पूरे साल दिल्ली के खेलने का एक टेम्पलेट सेट रहा है, एक छोर पर बाकी बल्लेबाज अपना विकेट ऐसे देकर जाएंगे जैसे शादी में शगुन का लिफाफा दिया जाता है और दूसरे एंड पर डेविड वार्नर एक तरफ अंगद के पैर की तरह जमे रहेंगे, उन्हें कोई आउट ही नहीं कर पाएगा। वो अपने रन बनाएंगे और दिल्ली वाले अक्षर पटेल को ऊपर खेलने नहीं भेजेंगे। आज भी बिल्कुल वही हुआ, शुरू के विकेट ताश के पत्ते जैसे गिरे, वार्नर ने हाफ सेंचुरी पूरी करी, अक्षर पटेल बल्लेबाजी जब करने आए तब तक रिक्वायर्ड रेट ऑलरेडी 17 का हो चुका था। अब अकेले अक्षर क्या ही कर लेते, 8 गेंद में 15 बनाकर वो आउट हो गए। इसके बाद दिल्ली के लिए मैच में कुछ बचा ही नहीं, बस ये देखना था कि क्या वार्नर अपनी सेंचुरी बना पाएंगे, उनसे वो भी नहीं बनी और दिल्ली हार के साथ बाहर हो गई और चेन्नई प्लेऑफ में पहुंच गई। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि सीएसके का जो मेजोरिटी सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं एमएस धोनी की वजह से है, क्योंकि सिर्फ चेन्नई के लोग नहीं पूरे इंडिया के लोग जुड़ के वो मैच देखते हैं और जब वॉचिंग देखा करो आप, एक वो नाम जो है ना वो कहता है नाम ही काफी है टीआरपी लाने के लिए, वॉचिंग लाने के लिए। और कल टीम का प्रदर्शन बहुत अमेजिंग था और यार अब तो स्कोर भी ठीक ठाक है तो वो ये आउट नहीं हो रहे, ये याद है मैं तेरे से पूछ रही थी धोनी आ जाएगा खेलने के लिए। लेकिन मुझे लगता कहीं ना कहीं एक वाइब्स आ रही है कि सीएसके जीतेगी, आपको भी लगता है मेरे हिसाब से दोस्तों, क्योंकि सीएसके ने इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि देखो ये वो T20 है, इसमें फेरबदल एकदम से हो जाती है। जैसे आप देख रहे मुंबई बिल्कुल ही स्टार्टिंग में बहुत बेकार कर रही थी, आरसी बहुत अच्छा कर रही थी, फिर बीच में आरसी भी खराब हो गई, एमआई अच्छा खेलने लगी, फिर अब एकदम से कमबैक। अभी भी वो चीज है कि भैया कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और वो ये फाइनल में भी अगर आप पहुंच जाओ उस दिन आपका दिन ना हो तो खराब होता है। लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि सीएसके जीतनी चाहिए, अच्छा खेले, और क्योंकि सीएसके में ना एक वो वाली बात है कि एक अलग ही लेवल का ना, चाहे प्लेयर्स
वो हो रिनाउंड प्लेयर्स ना हो, लेकिन फिर भी वो टीम इस तरह जेलअप करके, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो धोनी है उसके अंदर, और उनको वो चीज पता है कि हर प्लेयर से बेस्ट कैसे निकलना है। वो एक मेंटर वाली जो बात होती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है, और इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल लेवल का तो आप पता ही है। और वो वाली बातें रैना से पूछ रहे थे कि रैना से पूछ रहे थे, किससे पूछा था कि धोनी कभी गुस्सा नहीं करते टीवी पे तो दिखता, वो कह रहे करते हैं लेकिन जब एडवर्टाइजमेंट आता है ना ओवर के बाद उस टाइम पे होती है जो बात होती है। ये भी दिलचस्प बात थी। बाकी जिस भाई कल मेरा बड़ा मन था ये वाला मैच देखने का, दिल्ली का पास में ही था, लेकिन फिर वही है, कोई नहीं गए। अगले साल आईपीएल का जरूर मैच देखेंगे। बाकी मिलते हैं के साथ, बाय बाय, टेक केयर।